आपको बता रहा हूँ बार बार कि नरेंद्र मोदी ने देश बेच दिया। अरे नरेंद्र मोदी तो झूठा आदमी है और झुकता भी नहीं है वो। इस समय संसद भवन के पास हूँ और एक प्रदर्शन दिखाने जा रहा हूँ, लेकिन उसमें सबसे जो इंटरेस्टिंग पक्ष है आप दिखाऊंगा आपको कि जितनी कम संख्या में प्रदर्शनकारी है उससे कई गुना ज्यादा दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं। उसके बाद आपको अंदाजा लग जाएगा कि सरकार के बारे में आपको कोई जानकारी क्यों नहीं मिल पाती है। इस देश में धरना प्रदर्शन की इजाजत नहीं है और अगर कोई करना भी चाहे तो मीडिया बायकॉट करती है और उसके बाद भी कोई गिरफ्तारी का रिस्क लेकर, बुलडोजर का रिस्क लेकर भी सड़कों पर उतरे तो उसको पैरामिलिट्री फोर्स लगाकर बैरिकेड कर दिया जाता है। ये आपको तस्वीरों में दिखाते हैं। यही मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी संख्या में प्रोटेस्टर्स है उससे कई गुना ज्यादा संख्या में दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान हैं। तो ये गुजरात मॉडल है। सोचिए किस तरह से खबरें कंट्रोल की जाती है। आप धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, अगर कर भी लिए तो आपको बैरिकेड कर दिया जाएगा, आपको इजाजत नहीं है। तो ये है गुजरात मॉडल और इसीलिए इस देश में टीवी, अखबार और आम पब्लिक को सही खबरें नहीं मिल रही है। मैंने आपको प्रोटेस्टर्स की संख्या दिखाई कितनी है और अब मैं आपको जवानों की संख्या दिखाता हूँ। देखिए किस संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं उनकी तैनाती की जाती है, बड़े बड़े बस लगाए जाते हैं, महिला जो रिजर्व पुलिस फोर्स की जवान हैं उनको तैनात किया जाता है, काफ़ी संख्या में डिप्लॉयमेंट होती है। तस्वीरें देखिए और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार जो है वो किसी भी प्रोटेस्ट को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। तो दो तीन तरीके से मैनेजमेंट का काम चल रहा है। पहली तो बात कि प्रोटेस्ट ना हो, अगर प्रोटेस्ट होता है तो मीडिया में उसकी कवरेज ना हो, और अगर कोई प्रोटेस्ट करने भी आता है तो इस तरह से उसको बैरिकेड कर दिया जाता है। तो फिलहाल डेमोक्रेसी इसी तरह से चल रही है। ये गुजरात मॉडल है, आपको पसंद हो नापसंद हो कोई मतलब नहीं है। तो स्थिति ये हो गई है कि विपक्ष को प्रदर्शन करने की इजाज़त भी नहीं है। ये है प्रोटेस्टर्स की संख्या जिसको चारों तरफ से बैरिकेड कर दिया गया है, आप किसी कीमत पर बाहर नहीं निकल सकते हैं। और ये है पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट। पहला लेयर बैरिकेड वहाँ लगा हुआ है, ये दूसरा लेयर का बैरिकेड दिखा रहा हूँ और ये संख्या देखिए कितनी संख्या में इनको तैनात किया जाता है। तो मेरी कोशिश थी कि आपको बताया जाए कि सरकार का जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है किसी भी तरह के धरना प्रदर्शन के खिलाफ। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। NSY के जो युवा हैं वो प्रोटेस्ट कॉल कर रहे हैं। देखिए किस तरह से, ये तस्वीरें देखिए, महंगाई के खिलाफ एक बड़ा प्रोटेस्ट कॉल किया है। लेकिन वही हर बार होता है जो प्रोटेस्टों का होता है, काफ़ी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट होता है और प्रोटेस्टर्स को रोक दिया जाता है। लेकिन NSY को आप क्रेडिट दे सकते हैं कि लगातार भले आश्रय निवास नहीं है लेकिन वो महंगाई के खिलाफ इन तमाम मुद्दों पर वो प्रदर्शन करते रहते हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए। और 2 मिनट में इन सबको डिटेन कर लिया जाएगा, तो बिल्कुल प्रोटेस्ट के लिए कोई स्पेस नहीं है। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। ये तस्वीरें देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग होता है कि जितने प्रोटेस्टर्स हैं उससे कई गुना ज़्यादा पैरामिलिट्री फोर्स के लोग होते हैं, डिप्लॉय होते हैं और उनको तुरंत डिटेन कर लिया जाता है। ये देखिए गड्ढे में जा चुकी है, अब वो नहीं निकल सकती। आप बताइए, मीडियम नॉर्मल आदमी, गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी क्या GST भर सकता है? GST कौन भर सकता है? ये 8-10-10-15 ये तो पूंजीपति है, ये भर सकते हैं, मगर गरीब आदमी भरेगा? वो तो और मर चुका है, उनका धंधा खत्म हो चुका है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, GST कितना पैसा आ रहा है, नरेंद्र मोदी के पास कितना इकट्ठा है GST का, ये राज्य सरकारों क्यों नहीं दे रहे बताइए। ये सारा पैसा खुद यूज कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ बार बार कि नरेंद्र मोदी ने देश बेच दिया, नरेंद्र मोदी से कुछ नहीं हो रहा। आप उनके MP, उनके सांसद भी बोलने लगे नरेंद्र मोदी के बारे में।
बताइए। मैं बता रहा हूँ कांग्रेस एक विकल्प है, हर मुद्दे उठाती है, हर गरीब की आवाज उठाती है, मगर नरेंद्र मोदी ये देखिए सुनता नहीं है कांग्रेस को, कोई नहीं सुनता। आप बताइए कि गरीब आदमी की आवाज उठाना हमारा अधिकार है नहीं है, संविधान के तहत हमारा अधिकार है नहीं, बताइए। मगर ये किस तरीके से इन्होंने हमारे को कैद करने का स्टार्ट कर दिया है, तो हम क्या आवाज नहीं उठा सकते? तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो GST लेकर आई है ये गलत है। ये मिडिल क्लास आदमी मर चुका है, उनके कारोबार बंद हो चुके हैं। GST का आइडिया UPA का था, उनका आइडिया था कि साधारण टैक्स, नॉर्मल टैक्स, और इनका आइडिया 4 प्रकार के टैक्स, 5%, 12%, 18%, 28%। तो आप सवाल उठा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार सुन रही है, आप कितनी बार प्रदर्शन कर चुके हैं? देखिए हमारा, मैं आपको बता रहा हूँ, सरकार तो अंधी गूंगी बहरी है, वो सुने ना सुने, मगर हम आवाज जनता के लिए, हिंदुस्तान के लिए उठाते रहेंगे, देश के लिए उठाते रहेंगे। प्रधानमंत्री कभी झुके हैं? अरे नरेंद्र मोदी तो झूठा आदमी है, और झूठा भी नहीं है वो। हाँ। वो झूठा आदमी है। हाँ। वो झूठा आदमी है, वो नहीं है। आप बताइए, हमें बड़ा दुख है, हमें बड़ा दुख लग रहा है, हमें बड़ा दुख लग रहा है। हमारी लस्सी, छाछ, दूध, ये सब हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, और हमारे किसान ही देते हैं। किसानों पर इतना अत्याचार हो चुका है कि उनको भी टैक्स देना पड़ रहा है। अगर वही टैक्स देंगे तो आगे जाके भी तो टैक्स ही देना पड़ रहा है गरीब जनता को। गरीब जनता का मुद्दा यह है, 10 रुपए की छाछ जो आती थी वो 12 रुपए की हो गई है, जो मक्खन 48 रुपए का आता था वो 52 रुपए का हो गया है, और तो और हमारे यहाँ लस्सी जिसकी 10 रुपए कीमत थी वो 14 रुपए हो गई है। आप ये बताइए कि वो 4-4 रुपए बढ़ा करके पूरी 135 करोड़ की आबादी है, उससे 4-4 रुपए वसूलेंगे तो? लेकिन जनता तो खुश है जी, जनता तो मोदी जी से खुश है। मोदी जी यदि खुश होती तो एक बात बताओ, इतने उपचुनाव हार चुके हैं, अब भी चुनाव हारेंगे 2024 का। अब ये आने वाले निगम के चुनाव नहीं करा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है दिल्ली में डर है उनको कि कांग्रेस की सरकार बन सकती है, इसलिए वो चुनाव नहीं करा रहे हैं आगे के लिए। तो ये यूथ कांग्रेस के लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और ये बात ठीक है कि ना बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाए। बस मोदी सरकार के सुर में सुर जो मिलाएगा वो ठीक है, और जो इसके विरोध में बोलेगा या तो सही ईडी का डर दिखाया जाएगा या फिर संसद से बाहर भगा दिया जाएगा। अब आप बताइए, विपक्ष जाए तो जाए, कहाँ इनके खिलाफ प्रदर्शन करें? नहीं, आप क्या मानते हैं कि क्यों बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि इतना सब होने का? तस्वीरें दिखा रहा हूँ प्रोटेस्ट के लेकर, मेरी सबसे ज्यादा रुचि होती है ये देखने में, आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये देखिए जो प्रोटेस्टर्स है उससे ज्यादा पैरामिलिट्री फोर्स रहता है। हम लोगों की पार्टी है कांग्रेस पार्टी, बड़े लोगों की पार्टी नहीं है, हम वो पार्टी है जिस लोगों ने देश को याद करवाया। 4 लोगों से प्रोटेस्ट होगा, मेरी बात सुनिए, एक तिनका तिनका करके समुंदर भरता है, कब भरेगा समुंदर? समुंदर इसके, इसका टाइम आने वाला है, इसका झोला पैक हो गया मोदी का, पैक होगा आज 2024 में, मोदी का झोला पैक हो गया। आज गरीब दुखी है, आज देखिए कोरोना से लाखों लोगों का रोजगार गया, 2 करोड़ नौकरियों की बात करते थे, कहाँ है नौकरी? ये इन्होंने फिर GST लेके आए, नोटबंदी लेके आए, काला धन आएगा, 15-15 लाख आएगा, कहाँ है पैसा? आज 15 लाख तो क्या देना था लोगों की जेब में से, GST लगा के रोटी पे, अनाज पे, दही पे, वो भी निकाल रहे हैं। 15 लाख का सवाल नहीं, आप GST पे सवाल कीजिए, लोग कह रहे हैं कि ये रेवेन्यू मॉडल है। तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, देखिए कितने प्रोटेस्टर्स हैं, वो पहले आपको दिखा दूं, लगभग ये देखिए ये प्रोटेस्टर्स क्या है, और अब असली खेल देखिए, सरकार प्रदर्शन को लेकर कितना सचेत है। इस तरह से देखिए, महिला पैरामिलिट्री फोर्सेस जवानों का डिप्लॉयमेंट है, कि चारों तरफ खाली देखते जाइएगा कितनी संख्या में जो पैरामिलिट्री फोर्स है उसको डिप्लॉय किया जाता है, चारों तरफ से बैरिकेड कर दिया जाता है। तो सरकार का बिल्कुल साफ मैसेज है कि वो किसी भी तरह के प्रोटेस्ट को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है, चाहे वो 5 लोग ही क्यों ना हो। तो पूरा जो पॉलिटिक्स है उसको इस तरह से पुलिसीकरण कर दिया गया है कि जितने संख्या में प्रोटेस्टर्स नहीं है उससे ज्यादा संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस, दिल्ली पुलिस के जवान, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF के जवानों की तैनाती होती है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, मैं इसी को गुजरात मॉडल कहता हूं। गुजरात में जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, आप धरना प्रदर्शन, डेमोक्रेटिक सिस्टम में भरोसा नहीं है, आप धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, कोई रैली नहीं कर सकते हैं, इस तरह की राय है BJP में जो लोग सरकार चला रहे हैं। उसके बाद अगर आप धरना प्रदर्शन करते भी हैं तो मीडिया कंट्रोल किया जाता है, उसको आप दिखा नहीं सकते हैं। तो ये एक बड़ी स्ट्रेटजी है सरकार की, जिस वजह से या तो प्रोटेस्ट सफल नहीं हो पाता, और बड़े बड़े प्रोटेस्टों को
मीडिया कवर नहीं करती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार की स्ट्रेटजी क्या है, पॉलिसी क्या है कि कोई भी धरना प्रदर्शन पहले तो होने नहीं देना है, अगर हो भी जाता है तो उसको मीडिया बायकॉट करती है, मीडिया नहीं दिखाते, उसके बाद भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसकी MSP की बात थी वो भी वही की वही है। नौजवान की बात कर लो, नौजवान को अग्निपथ योजना लेके यहाँ 4 साल की नौकरी देंगे, उसके बाद रिटायर हो जाएगा, ना पेंशन है ना कोई सिक्योरिटी है। आज जो आम लोग हैं, आम लोगों पे GST ठोक दिया है, 5% वो खाने पे दे रहे हैं और 21 स्लैब्स बना दिए, 4-5 है, उसके बाद 12-18-28% तक टैक्स ले रहे हैं। आप नया AC लेने जाओगे तो जनता काहे नहीं सड़क पर निकल रही है सर, इतना तकलीफ बता रहे हैं तो जनता दुखी है इनसे। जनता डर के मारे नहीं बोल रही, बुलडोजर का डर है, जनता को बुलडोजर भोंक दे। गरीब आदमी जो झुंगी झोपड़ी में बैठा है बोलता है बाहर आएंगे हमारी झुंगियों में बुलडोजर चला देंगे, हम रहेंगे। जनता डरी हुई है सरकार से, ये डर के अंदर बैठी है इनसे, मोदी और अमित शाह से डर के अंदर बैठी है जनता, डरी हुई है, ये बड़ा सवाल है। ये देखिए क्योंकि उसकी बेटी बाहर चलाती है, बाहर चलाना गलत नहीं है, इस गैर कानूनी तरीके से बाहर चलाना गलत है। आप बताइए आप मुझे छोटी सी बात बताइए, सोनिया जी के बारे में इतना कुछ बोल रही है, उनके चेहरे से लग नहीं रहा था कि उसकी वो अपनी बेटी का बदला ले रही है? हमारी पार्टी के सांसद भी आवाज उठा रहे थे, मगर आप, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, स्मृति ईरानी ये वही औरत है जो 10 रुपए 5 रुपए के पर्चे पे थे उस सड़के पर आ जाती थी। आप अब उनका महिलाओं का दुर्गत नहीं होगा, उनकी दलितों की आवाज नहीं पाती, दलितों की वो दलितों के बारे में मैडम जी मेरी बात सुनो, देखिए मैं कितनी वीडियो में आपको पोस्ट कर दूंगा, आप गलत गलत कह रहे हो। संसद तक महंगाई हो, हर एक चीज का हमेशा आवाज उठाती है, गलत आवाज उसका हमेशा आवाज उठाती है। इस सस्ते में अभी जो चल रहा है इस पत्र में, आप ही बताइए, उन्होंने छोटे कौन सा मुद्दा छेड़ दिया, ईडी का, राहुल जी का मुद्दा छेड़ दिया, वो नेशनल हेराल्ड की बात कर रहे हैं, नेशनल हेराल्ड है क्या, लोगों को पता नहीं है। सोशल मीडिया का इम्पैक्ट भी आप देख सकते हैं कि भले जितने प्रोटेस्टर्स हों उसके बाद भी सोशल मीडिया में उनकी बातें आ रही है, मैसेज आ रही है, लोग भले कम हो लेकिन सरकार मीडिया प्रोटेस्ट को लेकर बहुत सचेत है, बहुत सख्त है, और आप देख सकते हैं तस्वीर इस तरह से। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा था संसद से मुश्किल से 100 गज की दूरी पर, आप कल्पना कीजिए कि कितने इंटरेस्टिंग है, जितने प्रदर्शनकारी है उससे कई गुना ज्यादा CRPF के जवान है, दिल्ली पुलिस के जवान है, और देखिए आप चारों तरफ से बैरिकेड कर दिया जाता है और पुलिस को लगा दिया जाता है। तो ये अमित शाह का मॉडल है, गुजरात मॉडल है, प्रधानमंत्री मॉडल है, जो सरकार है केंद्र की वो किसी कीमत पर प्रोटेस्ट कवर नहीं करवाना चाहती है, प्रोटेस्ट नहीं होने देना चाहती है। अगर कोई गिरफ्तारी के डर हटाकर, गिरफ्तारी का डर छोड़कर प्रोटेस्ट भी करने आती है तो मीडिया उनके पास नहीं है, मीडिया बायकॉट करती है, मीडिया नहीं दिखाती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, जो वीडियो आपने देखा जिसमें प्रोटेस्टर्स भी दिख रहे हैं और ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ जिसमें आपको पैरामिलिट्री के फोर्स, दिल्ली पुलिस के जवान दिख रहे हैं, तो उनकी संख्या का अंदाजा लगा लीजिए। और इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो सरकार है वो मीडिया मैनेजमेंट तो करती ही है, मीडिया में खबरें भी नहीं आएंगी लेकिन धरना प्रदर्शन की इजाजत भी नहीं है। आप लोग क्या इसको सही मानते हैं, गलत मानते हैं, क्या डेमोक्रेसी में विपक्ष को धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है या नहीं है, और आखिर केंद्र सरकार क्यों इस तरह से पुलिस का इस्तेमाल कर रही है, आपकी राय बहुत जरूरी है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।